28 जून 2023 को धुरिया शहर के स्कूल नंबर 20 लोहा बाजार में एक सांप पकड़ा गया। मामला कुछ इस तरह है कि सुबह स्कूल शुरू थी, बच्चे ने करीब 2 फुट का एक सांप देख लिया। बच्चे ने अपने टीचर को जैसे ही बताया तो टीचर हरकत में आ गई और सोशल वर्करों की मदद से सांप पकड़ने वाले को बुला लिया। करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद सांप मित्र अन्नु भैया ने सांप को पकड़ लिया और बताया कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे सांप पानी आने की वजह से आते रहते हैं, इनके काटने से कोई जानी नुकसान नहीं होता। सांप पकड़े जाने के बाद टीचरों ने सांप मित्रों का शुक्रिया अदा किया। मैं अनवर भाई सांप मित्र आदर्श सांप मित्र ग्रुप से काम करता हूँ। मुझे अभी घर पे कॉल आया था, हाफिजुल अब्दुल रहमान उनके फ़ोन पे फ़ोन आया था कि स्कूल में सांप निकलेला है, तो तुरंत मैं वो फ़ोन सुन के स्कूल में पहुँचा और स्कूल में कुछ घास वगैरह थी, टाकी वगैरह थी, वहाँ पे ये सांप मिलेला है। ये नॉन वेनमस है, बिगर देर वाला है, ये पान दीवाड़ बोलते हैं इसको। इसके काटने से इंसान 3 घंटे तक का सोया रहता और कुछ नहीं। ये कितने फिट का है? ये 2 फुट का है, ये 2 फुट का सांप है। बच्चों के स्कूल में 20 नंबर स्कूल में मिला। अभी बारिश की इसकी पैदावार बढ़ गई है तो ये ज़्यादातर गांव में बहुत सारे ये मिल रहे और हो भी सकते हैं, और भी होंगे। सलाम अलैकुम, मैं स्कूल नंबर 20 से प्रभारी मुख्य अध्यापक बोल रहा हूँ। आज यहाँ पर एक सांप पकड़ा गया। जब मैं स्कूल में आया तो यहाँ पर बहुत सारी गर्दी जमा थी। वजह पूछे गए तो बताया बच्चों ने कि यहाँ पर एक सांप दिखाई दिया, तो फौरन हमने हमारे स्कूल के जो व्यवस्थापन समिति के लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनको फ़ोन करके बुलाया। ये आए यहाँ पर, जगह पर देखे, जायज़ा लिए और फौरन इन्होंने सांप मित्र जो आते हैं उनको बुलाया। और यहाँ पर उनके आने के बाद उन्होंने 10-15 मिनट बहुत कष्ट से उस सांप को पकड़ा और अपने साथ लेके गए।